देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे, हमने उनका वीडियो देखा था और उनको सुना, तो उनको सुनकर हमें ये लगा कि उनका जो काम है अभी, उनका जो काम है वो बीजेपी की तरफ जो है हिंदू का इकट्ठा वोट डलवाने का प्लान है उनका। अभी क्या है, जगह जगह सब लोग बात जी का जो नामांकन हुआ था, उसके बाद जो तो रैली भी कर रही है, यहाँ पे प्रत्याशी हैं लोकसभा 25 के, तो उनका बहुत विरोध किया है हिंदुओं ने। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो है उनका समर्थन के लिए ये आवश्यक में मीटिंग करवाई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये सिद्ध किया है कि यहाँ पर जो है हिंदू मुसलमानों को बांट दिया जाए, जिससे फिर से जो है एक तरफा वोटिंग हो सके। अभी कुछ दिन पहले 2010 में बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश में सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उस समय 2 मार्च 2010 को एक दंगा बरेली में हुआ था, जिसमें तौफीक रजा साहब मुख्य आरोपी के रूप में दिखाई दिए थे और उन्हीं की सरकार में जेल भी गए थे। इस पर आपका क्या सोच है? नहीं, इस पर क्या, ये दंगा करवाने का काम ही इन लोगों का है। इधर ये गंगवार साहब हैं, उधर ये मौलाना तौफीक रजा खान साहब हैं, ये लोग आपस में तयशुदा कर लेते हैं सारी बातें और आपस में दंगे वो करवाते हैं ताकि वोटों का समीकरण जो है एक तरफा हो सके। कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौफीक रजा ने ये बयान बहुत बड़ा दिया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार 5 साल के शासन काल में मुस्लिम समाज पर किसी भी तरह का जुल्म या जास्ती नहीं हुई है। ये कह रहे हैं मुस्लिम समाज पर जुल्म या जाती नहीं हुई है, तो अगर मुस्लिम समाज पर जुल्म जाती नहीं हो तो बीजेपी, जब से ये यूपी में गवर्नमेंट बनी है बीजेपी की, तब से तो कौकशी के नाम पर बहुत सारी जाती हुई है मुस्लिमों में, के गौ हत्या के नाम पर मुसलमान पकड़ रहे हैं, कोई अपने बेचारा को खरीद के लेके जा रहा है गाय, तो उसको समझ रहा है कि वो मुसलमान जो है उसको काटने लेके जा रहा है, उनको हत्या की जा रही है, बॉम्बलिंचिंग की जा रही है लोगों की बहुत सारी हिंदुओं द्वारा। आपका ये मानना है कि तौफीक रजा साहब हिंदुओं को अलग खाने में भी डालना चाहते हैं, मुस्लिमों को अलग? नहीं, वो तौफीक रजा खान साहब का वजूद ही इसी बात पे है। अगर ये सेक्युलर वाली बात करेंगे तो इनका वजूद है क्या, तो खत्म हो जाएगा, इनको कोई इनका कोई स्थिति नहीं है इसमें सोसाइटी में। इन्होंने आपकी लोकसभा लड़ा भी नहीं है। इन्होंने लोकसभा ना लड़ने, इन्होंने अगर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा है तो ये तो इन्होंने अपने पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, विश्वासघात किया है। मुस्लिम कम्युनिटी ने इनको एक विधायक दिया जिता करके, मुस्लिम कम्युनिटी ने इनको जो है पूरा रिकॉग्नाइज किया पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे ये जानती है इनको, और तो अगर इन्होंने ऐसा किया है तो इन्होंने बहुत विश्वासघात किया है पब्लिक के साथ। आपने जो प्रश्न किया है बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर मौलाना तौफीक रजा खां एक दुनिया में जानी मानी जो उनके गुरु हैं, धार्मिक गुरु जो आप समझ लीजिए, आला हजरत दरगाह से जुड़े हुए हैं, उनके पारिवारिक सदस्य हैं। इन्होंने दरगाह आला हजरत का रसूख अपना इस राजनीतिक स्थिति में आने से, राजनीतिक माहौल में आने से कम किया है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा ये उस पर कलंक है। ये तो मुसलमानों के बिल्कुल दलाल हैं, ये क्या करते हैं, कहीं बीजेपी से मिल जाएंगे, कहीं सपा से मिल जाएंगे, कहीं कांग्रेस से मिल जाएंगे, और मुसलमानों को बेचने का काम करते हैं, धंधा कर रहे हैं, बिल्कुल दलाल है। इन्होंने जो है मुसलमानों के नाम पर मुसलमानों के वोटों को बेचने का काम किया है, चाहे वो बीजेपी से पैसे लेकर के चुनाव लड़े हो, मैदानों में लड़े हो, या चाहे कांग्रेस से लड़े हो, चाहे सपा बसपा हो, आज फिर गठबंधन के नाम पर ये कोई राग आलाप है। इस विषय में मुझे ये लगता है कि मौलाना तौफीक रजा खान जो है हमारे देश की जो है कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं, हमारे देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था, उसमें विश्वास नहीं करते हैं, और उनको जो है उनको लगता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है वो कुछ भी कर सकती है, जबकि ऐसा है नहीं। उनको देश के सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास रखना चाहिए, और मंत्री अगर बनेगा तो बिल्कुल कानून दायरे में रह के बनेगा, जैसा सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा वैसा ही होगा।